रांची से एक और बड़ी जानकारी, जहां स्नैचरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पंडरा उपी इलाके में फिर से स्नैचिंग हुई है। बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर स्नैचिंग की गई है। घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी पीड़िता और दो की संख्या में बदमाश आए और स्नैचिंग करके फरार हो गए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर स्नैचिंग की गई है, तो स्नैचरों का मनोबल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पंडरा ओपी इलाके में ये घटना हुई है, जहां फिर से स्नैचिंग की गई है। बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर स्नैचिंग की गई है। घर के दरवाजे पर झाड़ू पीड़िता लगा रही थी और इसी दौरान दो की संख्या में बदमाश आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो पंडरा ओपी इलाके में फिर से स्नैचिंग की घटना हुई है। रांची से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्नैचरों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंडरा ओपी इलाके में फिर से स्नैचिंग हुई है। बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने और घर के दरवाजे पर पीड़िता झाड़ू लगा रही थी और इतने में दो की संख्या में बदमाश वहां पर आए और स्नैचिंग करके फरार हो गए। तो रांची में स्नैचरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। पंडरा ओपी इलाके में फिर से स्नैचिंग की ये घटना सामने आई है, जहां बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि घर के दरवाजे पर जो पीड़िता है वो झाड़ू लगा रही थी, इतने में दो की संख्या में बदमाश वहां आते हैं और स्नैचिंग कर फरार हो जाते हैं। तो रांची में स्नैचरों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पंडरा ओपी इलाके में यह घटना हुई है। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए नैयर, स्नैचरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। पंडरा ओपी इलाके में फिर यह घटना हुई है, जहां बुजुर्ग महिला का चेन स्नैच कर आरोपी फरार हो गए वहां से। कैसे मामले का खुलासा हुआ, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला रांची के पंडरा इलाके का है, जहां एक वृद्ध महिला सुबह सुबह अपने घर के आंगन में झाड़ू मार रही थी। झाड़ू मारने के दौरान ही मोटरसाइकिल में सवार दो अज्ञात अपराध कर्मियों ने पहले रेकी की, उसके बाद महिला के गले में जो सोने की जिस चैन थी वह उड़ाकर ले गए। हालांकि महिला के द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोगों को निकलने के बावजूद जो स्नैकर थे वो फरार हो चुके थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पुलिस गश्ती के का है, क्योंकि रांची में इन दिनों काफी स्नैचरों का जाल बिछा हुआ है और रांची के विभिन्न इलाकों में कहीं ना प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं इलाके में एक चिंताई जरूर हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस लगाम लगाने में विफल हो रही है। और रही बात उस वृद्ध महिला की, तो उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसका जो सोने की जो चैन थी वह उसकी शादी की थी, इसीलिए वृद्ध महिला काफी रो रही है। हालांकि पुलिस ने संतावना दी है और पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास इलाकों के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही स्नैचरों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रांची की जो स्थिति है, जो छिनताई गिरोह है, एक तरह से पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए है रांची। बिल्कुल नैयर, और ये भी चिंताजनक विषय है कि घर में भी लोग सलामत नहीं है, घर में घुसकर भी अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।